आप लोगों के द्वारा पंचसूत्री मार्ग शुरू किया गया है, पंचसूत्री मार्ग है क्या? ये पंचसूत्री मार्ग पांच विचारों का संग्रह है जो हमारे इस महापरिवर्तन आंदोलन में चलाया जा रहा है। पंचसूत्री मार्ग में पहला मार्ग ये है कि गांव के हर व्यक्ति का जो आपसी विवाद हो ये गांव में ही सुलझ जाना चाहिए। गांव में आपस में जो विवाद सुलझ जाएगा इसके कारण क्या होगा, उनको बदले की भावना से कोर्ट कचहरी या किसी अपराधी के पास नहीं जाना पड़ेगा। उनकी जो अपनी पूंजी है, उनकी कमाई है, वो बचेगी। व्यर्थ का समय, व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं होगा। उनको कोर्ट कचहरी और पुलिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग है शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है उच्च स्तरीय तरीकों से होना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न हो गया है। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि ठीक है अभी तो पेंडेमिक के सिचुएशन से गुजर रहा है, इसके पूर्व भी हम हमेशा गांव पे आते जाते रहते हैं, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि कभी शिक्षक ही नहीं हैं, कभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो हमारा ऐसा शिक्षा का स्तर होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी उनको माने सोचना चाहिए कि हम अपने शिक्षकों या अपने जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके बीच ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कि वो गुरु और शिष्य का पहले की तरह अपना धर्म पालन करें। इससे क्या होगा कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही नहीं होती है, शिक्षा हमारे जीवन के लिए भी होनी चाहिए। विवेकानंद ने साफ कहा था कि अगर हमारे देश या राज्य की समस्या का कोई समाधान अगर हो सकता है तो उसका एकमात्र उपाय है शिक्षा, शिक्षा एवं शिक्षा। तीसरा, अपने धर्म और संप्रदाय को राजनीति एवं प्रशासन से बिल्कुल दूर रखना है। हमको अगर प्रशासन चाहिए, उसका प्रशासन का सही उपयोग चाहिए, तो हमको उसमें धर्म और अपने संप्रदाय को उसके बीच नहीं लाना होगा। हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल जाति धर्म सब में डूबते जा रहे हैं। हमारा जो प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है वो जाति के स्तर पे हो रहा है ना, हमको अच्छे प्रतिनिधि मिल पा रहे हैं। अभी कल ही का एक सच्ची घटना है, यहाँ पे प्रेस मीट हमारे सर्किट हाउस में होने जा रही थी, वहाँ पे हमारे एक बंधु ने हमारे एक प्रतिनिधि से पूछा, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, कि ठीक है आप किसान के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, आप उसका आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इसमें काला क्या है, आप बोल रहे हैं कि काला कानून है, तो उन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया। तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे जो प्रतिनिधि जा रहे हैं कम से कम वो कैसे हैं, वो हमारे चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमारे चीज़ों को वो हमारा जो हमको जो दुख है, हमारा जो दर्द है, हमारे जो लोगों में अभाव है, चीज़ों का अभाव है, वो हमारा मुख्यमंत्री या विधानसभा या लोकसभा में पहुंचा पाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। चौथा चीज़ है स्वच्छ एवं स्वच्छता अभियान। हमारे गांव, घर, समाज को इतना स्वच्छ बनाइए कि वो रिसॉर्ट की तरह दिखे। हम रिसॉर्ट की तरह दिखेगा तो हमको बीमारियां कम होगी, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमको आर्थिक बचत होगी। तो सब ये चौथा सिद्धांत था। और पांचवा जो सिद्धांत है कि हम जिस प्रशासन पे अपना विचार, जिस प्रशासन के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हैं, वो प्रशासन का जो भी हमारे जिला में, हमारे राज्य द्वारा, हमारे देश द्वारा जो भी परियोजनाएं आ रही हैं उसका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो पा रहा है कि नहीं,
जन जन के प्रति उसका लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजों को सुनिश्चित करना, ये हमारा पांचवा सिद्धांत है। तो कैसे लगता है आपको कि अगर इसमें लोग जुड़ेंगे तो उनको फायदा मिलेगा? हमको लोगों को समझाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी लोगों को राज्य सरकार या देश के द्वारा जो भी परियोजनाएं आ रही है वो सभी चीज को मालूम नहीं है, या तो इनको बताया नहीं जा रहा है या उनको उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ न कुछ तो कम्युनिकेशन में ऐसा गैप हमको महसूस हो रहा है जिससे उनको इस चीज़ से वो अवगत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उनको हर चीज़ के लिए उनको उनके पास सारी चीज़ें पहुंचे, और इन सब चीज़ों का जो एकमात्र है वो शिक्षा है। उनको शिक्षा का स्तर उतना नहीं है, अगर उनको शिक्षा जानकारी या हर चीज़ की अगर वो उत्साहित होंगे, जिज्ञासा होगी, तो वो खुद ही उसके प्रति वो इच्छा व्यक्त करेंगे।